डांस का ये वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्राइम तक पर हम ये आपको क्यों दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, डांस करने वाले पुलिस वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वाले डांस कर रहे हैं तो क्या हुआ। लेकिन खुशी का पल हो तो डांस करना बुरा नहीं है, मगर इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिर्फ वर्दी में नाचने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इनका कसूर बस इतना है कि डांस के वक्त ये वर्दी पहने थे। दरअसल न्यूरिया थाने में तैनात रहे दरोगा धर्मपाल बीती 28 जनवरी को रिटायर हुए थे। उनकी विदाई को लेकर बीती शनिवार रात एक पार्टी रखी गई थी। इसका आयोजन थाना परिसर में बने आवास में किया गया था। इस पार्टी में पुलिस कर्मियों के अलावा कुछ बाहरी लोग भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में डीजे लगाकर फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया गया। विदाई समारोह में देर रात तक पुलिसकर्मी धमाल मचाते रहे। दूसरे दिन रविवार को विदाई समारोह में पुलिसकर्मियों के डीजे पर वर्दी में डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में जो पुलिस की खाकी रंग पैंट पहनकर ठुमके लगा रहे हैं वो है डांसर दरोगा धीर सिंह, धनकुला चौकी प्रभारी। सबसे ज्यादा इन्हीं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाचना बुरी बात नहीं है, लेकिन वर्दी पहनकर इस तरह ठुमके लगाना गलत बात है। इनकी आप हालत भी देख रहे हैं। खैर, इस पुलिस डांस में वो पुलिस वाले बच गए जो वर्दी नहीं पहने थे, मतलब वर्दी उतार के दूसरे कपड़े पहनकर पार्टी में डांस करने आए थे। अब सबकी पहचान की जा रही है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वह थाना न्यूरिया का है। थाना न्यूरिया से एक दरोगा जी आज सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर कल थाने की जो घरिया लाइन है, जहां परिवार के लोग रहते हैं, वहां पर एक पार्टी आयोजित की गई थी। उसमें कुछ लोग डांस करते हुए दिख रहे हैं, उसमें कुछ लोग वर्दी में भी हैं। इसकी जांच कराई जा रही है। जो लोग वर्दी में डांस करते हुए दिख रहे हैं उनके खिलाफ़ जांच करके विभागीय कार्रवाई की जाएगी।